अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मैजिकल सीरम शेयर करूंगी जो कि आपके आई लैशेज़ और आईब्रोज़ की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है और उसके साथ साथ आपकी आई लैशेज़ और आईब्रोज़ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर कास्टर ऑयल ऐड नहीं करूँगी सीरम में, क्योंकि कुछ लोगों को कास्टर ऑयल से एलर्जी होती है। तो मैं यहाँ पर विदाउट कास्टर ऑयल के आई लैशेज़ और आईब्रोज़ की ग्रोथ के लिए सीरम बनाऊंगी। हाँ जी, तो अगर आप भी विदाउट कास्टर ऑयल आई लैशेज़ और आईब्रोज़ की ग्रोथ का सीरम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह पर 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए 1 विटामिन ए का कैप्सूल और 1/2 टेबलस्पून वैसलीन। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह पर 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपकी आई लैशेज़ और आईब्रोज़ की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है और उसके अलावा आपकी आई लैशेज़ और आईब्रोज़ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। हाँ जी, तो 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून वैसलीन। हाँ जी, तो यहाँ ऑलिव ऑयल में मैंने 1/2 टेबलस्पून वैसलीन ऐड की थी। वैसलीन के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपकी आई लैशेज और आईब्रोज की ग्रोथ को हेल्दी बनाती है। वैसलीन ऐड करने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करने के बाद अब आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे पास एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्मूथ सा टेक्सचर बन चुका है। अब आप इस सीरम को किसी भी एम्प्टी कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख दें 2 to 3 मंथ्स के लिए। इस सीरम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके आई लैशेज और आईब्रोज की ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं और उसके अलावा आपके आई लैशेज को सॉफ्ट एंड स्मूथ भी बनाते हैं। हाँ जी, तो इस सीरम को अप्लाई करने का मेथड ये है कि डेली रात को सोने से पहले आपने इस सीरम को अपने आई लैशेज़ और आईब्रोज़ के ऊपर लगाना है। आप इस सीरम को अपनी फिंगर टिप की मदद से भी लगा सकते हैं अपने आई लैशेज़ और आईब्रोज़ के ऊपर। और उसके अलावा आपके पास अगर घर में कोई भी इस तरह से खाली मस्कारा की बोतल पड़ी हुई है तो आप इस मस्कारा की बोतल को वॉश करके आप इसके अंदर सीरम को फिल कर लेंगे और डेली रात को सोने से पहले आप मस्कारा ब्रश की मदद से इस सीरम को अपनी आई लैशेज़ और आईब्रोज़ के ऊपर लगाएंगे। आपने इस सीरम को डेली रात को सोने से पहले अपनी आई लैशेज़ और आईब्रोज़ के ऊपर लगाना है 30 डेज़ के लिए। इंशाल्लाह आफ्टर 30 डेज़ आप अपनी आई लैशेज़ और आईब्रोज़ की ग्रोथ में वाज़ह डिफरेंस देख सकते हैं। आपने इस सीरम को लाजमी ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपने अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। हाँ जी, तो ये थी आज की रेमेडी। आई होप आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।